खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी लेक्चर का टॉपिक है श्री गुरु नानक देव जी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होवा, जो कल सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। तन तन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1679 ईस्वी बीच पूरन मासी वाले दिन रायपुर दी तलवंडी विखे होया। उन्होंने पिता जी का नाम मेहता कल्याण दास, माता जी का नाम माता तृप्ता देवी जी सी। उन्होंने पट्टी भैन का नाम बेबे नानकी जी सी, जो उन्होंने तो 5 साल वड्डी सन। गुरु पातशाह बचपन में ही तलवंडी विच सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्होंने हसमुख चेहरे व प्रेम पूर्व व्यवहार की अति अद्भुत याद शक्ति के कारण सारे हैरान सन। उन्होंने पिता जी ने उन्होंने तीव्र बुद्धि को देखते हुए उन्होंने 5 साल की आयु में पढ़ने लिए भेज दिता। अजे गुरु जी की सिक्ख्या चल ही रही सी कि उन्होंने पिता जी ने जनेऊ पहनाने का निश्चय किया गया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी की उम्र 9 वर्षा की सी। श्री गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहनने तो साफ इनकार कर दिता ते आत्मक जनेऊ की मांग की। जद गुरु जी ने जो शब्द उच्चारिया सी वो आसा की वार विच दर्ज ने। दया कपा संतोख सुत जत कंटी सतवत, ए जनेऊ जी का है तपांडे खत। ए वेख के सारे हैरान सन। सारिया नु विश्वास हुंदा जा रिया सी कि गुरु नानक कोई आम इंसान नहीं है। मेहता जी ने एक दिन पातशाह जी नु 20 रुपए देकर व्यापार ले तोड़िया। गुरु जी रास्ते भी जा ही रहे सन कि उन्होंने भुखे साधु मिले जो 3 दिन तो भुखे सन। श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का उन्होंने लंगर छकाया ते ए घटना इतिहास विच सच्चे सौदे के नाम विच मशहूर है। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी मूल चंद जी की पुत्री बीबी सुलखनी नाल होया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी की उम्र 14 वर्षा की सी। आप जी के पुत्रा जी का नाम बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी सी। सुल्तानपुर विखे गुरु जी मोदी खाने की नौकरी करिया करते सन। जो भी अनाज लेना आंदा उसनू वाहेगुरु सब तेरा कहकर अनाज डाल दे जाते सन, तोल देंदे सन। एक दिन किसी ने गुरु जी की शिकायत कर दी कि गुरु जी तेरा तेरा करके पूरा राशन तोल देंदे ने। जब नवाब ने हिसाब किया तो देखिया गया कि गुरु जी वल पैसे बकाया निकले। नवाब ने माफी मांगी ते गुरु जी नू वधदी रकम दे के वापिस कीती। एक दिन गुरु पातशाह ऐसे ही तरह वे नदी विच इस्नान करन गए ता 3 दिन आलोप रहे। जब उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय श्री गुरु नानक देव जी की उम्र 30 वर्षा की सी। सब तो पहला जब बाहर आए वे नदी तो उच्चारण किए ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस तो बाद गुरु जी ने उदासिया की सच्चे धर्म का प्रचार किया। 1521 गुरु जी ने रावी दरिया के किनारे करतारपुर बसाया ते अपने आखिरी 18 साल वहीं व्यतीत कर दिते। 1549 गुरु जी जब ज्योति जो समान ही वाले सन कि उस तो पहला 4 महीना पहला उन्होंने भाई लहना जी नू गुरता गद्दी देकर गुरु अंगद बनाया ते आप अपना 22 सितंबर 1549 ज्योति जो समा गए। शायर साथ संगत जी बहुत खूब लिखता है, नानक गुरु रहनुमा बन के आया, नानक गुरु रहनुमा बन के आया, हर एक दिल दी दुआ बन के आया, हर एक दिल दी दुआ बन के आया। पापों की अग्नि में जलती थी दुनिया, पापों की अग्नि में जलती थी दुनिया, बुझाने के खातिर सफा बन के आया, बुझाने के खातिर सफा बन के आया। ओ हिंदुओं के सतगुरु है दीनों के रक्षिस, हिंदुओं के सतगुरु है दीनों के रक्षिस, मुस्लिम के घर मुस्तफा बन के आया, मुस्लिम के घर मुस्तफा बन के आया। सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।